हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये जो फ्रेंच कर्व होता है इसका यूज़। काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि मैम आप जो स्केल्स वगैरह यूज़ करते हो उनके आप यूजेस बताएं, तो आज मैं आपको ये फ्रेंच कर्व का यूज़ बताने वाली हूँ। वैसे इसको आर्मोल स्केल भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पैटर्न मैंने इस तरीके से ड्रॉ किए हुए हैं, जैसे कि ये नेक और ये बॉडी का जो बॉडी के ऊपर का पार्ट होता है उसे ड्रॉ किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने स्लीव ड्रॉ किया हुआ है। तो इन पे मैं आपको फ्रेंच कर्व जो है यूज़ करना बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, वैसे तो आप इसका बहुत सारे चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी आपको कर्व देना हो या राउंड देना हो, पर जो मेन चीज़ है जहाँ पर हम करते ही हैं यूज़, वहाँ पर आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं नेक की। तो ये नेक आप देख रहे होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ से 3 इंच जो नॉर्मली अपन नेक लेते हैं, और लेंथ आपको जितनी भी रखनी है उतनी करके ये बॉक्स बनाया हुआ है। तो ये आपको इस तरीके से रखना है, और ये राउंड यहाँ पे दे देंगे हम। तो ये मैंने यहाँ पे राउंड दिया है। आपको अगर वी चाहिए, जैसे हल्का वी भी लेते हैं जैसे राउंड में, तो इस तरीके से आप ये वी भी दे सकते हैं इसमें। अब बात करते हैं आर्म होल की, जो कि काफ़ी लोगों को इस चीज़ में प्रॉब्लम होती है और हाथ से जो है उनकी ठीक से शेप नहीं बैठती है। तो आपको इस तरीके से इसको रखना है, ये जो गोल है ये नीचे, ये हमने इस तरीके से, और ये बस्ट लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो आपको इस तरीके से रखना है, इस वाली लाइन से मिला के, और यहाँ से, और इस तरीके से जो है ये आप ड्रॉ कर सकते हैं। फिर बात आती है जैसे कि बोट नेक की। यहाँ पे मैं आपको बोट नेक ड्रॉ करके बताऊँगी। तो इसका जो चौड़ाई बोट नेक में लिया है मैंने, जैसे डबल से 4.5 है, तो इसको आपको इस तरीके से रखना है, और इस तरीके से आपको इसको सेट करना रहता है कि पूरा जैसी हमें शेप चाहिए वैसी ही आनी चाहिए। तो ये इस तरीके से जो है ये बोट नेक ड्रॉ हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं झटपट कैसे कर रही हूँ इस स्केल से। वैसे अगर मैं हाथ से लगाने चाहती, वैसे मैं तो लगा लेती हूँ, पर बिगनर से जो है बिल्कुल फिनिशिंग से नहीं लग पाता है, तो इसीलिए ये उनके लिए बहुत ही काम की चीज़ है। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ स्लीव की, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है बिगनर्स को। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरीके से स्लीव ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ से लेंथ ली हुई है मैंने, और ये 3.5 इंच पे जो नॉर्मली निशान लगाते हैं हम, वो है, और इसको मैंने सीधा किया हुआ है। नीचे जो है हमारा स्लीव का बॉटम है। तो यहाँ से पहले मैं इस वाले कॉर्नर को यहाँ से मिला दूँगी, ये मैंने मार्जिन का लिया हुआ है। इस तरीके से मैंने ये ले लिया है, और ये तिरछे में 9 इंच है, तो इसका जो मिडल आएगा वो 4.5 पे आएगा। तो ये मैंने इसके मिडल पे, इसको नहीं लिया है मार्जिन वाले को, यहाँ से लेकर यहाँ इसके मिडल ये निशान लगा दिया मैंने। तो अब फ्रेंच कर्व का कैसे यूज़ करना है आपको, इस तरीके से जो ये आप राउंड देख रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से रखना है इस वाले निशान के, और यहाँ पर आपको सेट करना है इसको, इस तरीके से सेट करना है कि यहाँ पे हमारा सीधा आए। तो इस तरीके से मेरा सेट हो गया है, और ये निशान लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे भी हमें इसी तरीके से निशान चाहिए, तो ये वाला राउंड देखिए अब ऊपर आ गया है, और यहाँ से मिलाऊंगी मैं, और ये वाले निशान को यहाँ पे भी आप सेट करें अच्छे से। तो ये देखिए कितनी आसानी से जो है हमारी शेप बन गई है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।